और मेरे भाइयों, कैसे हो सभी आप लोग। मैं आपका भाई गोलू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्री वर्कआउट मील के बारे में, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ये कितने टाइम पहले लेना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए इसमें, सब कुछ। बस आप मेरे संग लास्ट तक बने रहना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर यार जो मेरे भाई हैं, जो बिगनर भाई हैं, जो उन्होंने जिम स्टार्ट की है अभी, ठीक है, या स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या करते हैं गलती कि जो वर्कआउट है उससे 10 मिनट पहले जो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, केले वगैरह, पटेटो जो भी है, वो आप कंज्यूम कर लेते हो और सीधे जिम चले जाते हो। यहाँ पर तो आप रास्ते में जा रहे हो गाड़ियों पर और केले खाते हुए जा रहे हो और सीधा जिम में एंटर करते हो, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, जो आपने खाया उससे आपको अच्छे से एनर्जी मिलेगी? तो देखिए यार, एनर्जी तो आपको मिलने से रही, आपको उल्टी वॉमिटिंग और होने लगेगी। बिकॉज क्योंकि आप एकदम आपने खाया है और आप जाकर जिम में अपनी बॉडी पर स्ट्रेस ही तो डालोगे, ठीक है, इसीलिए आपको वॉमिटिंग होगी। बट कई लोग यहाँ पर झेल जाते हैं, मगर जो आपका मेन पॉइंट है पावर का, वो आपको कुछ नहीं मिलती है, ठीक है। सो आप ये गलती मत करना। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्री वर्कआउट मील है वो कितने टाइम पहले लेना चाहिए। देखिए यार, प्री वर्कआउट मील लेने का सही टाइम मेरे को तो 50 मिनट, मैं तो समथिंग एक घंटा या सवा घंटा पहले लेता हूँ। क्यों इतना इसलिए लेता हूँ ये मैं सवा घंटे पहले, क्योंकि जो हमारा जो डाइजेस्ट है, जो हमारा पाचन है, जो अच्छे से हो जाता है, कुछ भी आप खाओगे, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ा यहाँ पर आप साइंस वे समझिए, आपकी बॉडी में पूरे माइटोकॉन्ड्रिया फैली हैं, इसके अंदर होती है ATP, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यही एक चीज़ है जो आपको पावर देती है, यही एक चीज़ है जो पावर हमारी बॉडी में जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मील है, वो आपने जो खाया है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर वो बहुत सारी ATP बनाता है, और वो ATP हमें पावर देती है हमारी बॉडी को, और आपको लगता है एक पावर मिल रही है, और जो आपको वर्कआउट है वो आप बहुत ही अच्छे से कर पाते हो। सो यही एक साइंस का वे है, और इसे लेने का जो प्री वर्कआउट मील है वो इसे लेने का टाइम भी यही है, समथिंग एक घंटा या सवा घंटा, जिससे आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सको, ओके। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो प्री वर्कआउट मील है उसमें क्या क्या लेना चाहिए। तो देखिए यार, प्री वर्कआउट मील में आपके पास जो भी अवेलेबल हो, लाइक आपका ओट्स, आपके दलिया, आपका पटेटो, स्वीट पटेटो, बनाना, या कोई होल एग हो सकता है, जो भी हो, बस आप ये ध्यान रखना कि आपको एक घंटे या सवा घंटे पहले लेना है, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो आप इसे ध्यान रखना और अपने वर्कआउट को बहुत अच्छे से करिए, ओके। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यार सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन प्लीज़ दबा देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल शॉर्ट टिप्स के लिए, जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।